आखिर लोगों को हंसाने के लिए कितनी फीस वसूलते हैं द कपिल शर्मा शो में काम करने वाले किरदार। आपको बता दें कि द कपिल शर्मा शो इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग शो है। आपको बता दें कि कपिल शर्मा जो होस्ट करते हैं शो, वो सोनी से एक एपिसोड की फीस लगभग 90 लाख रुपए वसूलते हैं। तो आप खुद सोचिए दूसरी कास्ट कितनी फीस लेती होगी द कपिल शर्मा शो में काम करने के लिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में द कपिल शर्मा शो की पूरी कास्ट की पर एपिसोड सैलरी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे बात करते हैं चंदन चाय वाला की, यानी कि चंदन प्रभाकर की। तो दोस्तों, चंदन प्रभाकर एक एपिसोड के लगभग 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 9 पे बात करते हैं सुमोना चक्रवर्ती की, यानी कि सरला की। तो दोस्तों, सुमोना चक्रवर्ती एक एपिसोड के लगभग 7 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नंबर 8 पे बात करते हैं रोचेला राव की, जो कि पिछले शो में लॉटरी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो दोस्तों, रोचेला राव एक एपिसोड के लगभग 5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नंबर 7 पे बात करते हैं कीकू शारदा की, जो कभी बम्पर तो कभी कोई और कैरेक्टर प्ले करते हैं द कपिल शर्मा शो में। तो दोस्तों, कीकू शारदा एक एपिसोड के लगभग 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं भारती सिंह की, जो कि 2 या 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करती हैं द कपिल शर्मा शो में। तो दोस्तों, भारती सिंह को एक एपिसोड के लगभग 10 लाख रुपए मिलते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं शो के पुराने मेंबर अली असगर की। अली असगर को एक एपिसोड करने के 3 लाख रुपए मिलते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं आपके और हम सबके फेवरेट डॉक्टर मशहूर गुलाटी की, यानी कि सुनील ग्रोवर की। तो दोस्तों, सुनील ग्रोवर एक एपिसोड करने के लगभग 20 लाख रुपए चार्ज करते थे। नंबर 3 पे बात करते हैं शो के एक्स जज नवजोत सिंह सिद्धू की। तो दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू को एक एपिसोड के 5 लाख रुपए मिलते थे। नंबर 2 पे बात करते हैं शो के प्रेजेंट जज अर्चना पूरन सिंह की। तो दोस्तों, अर्चना को पर एपिसोड के 3 लाख रुपए मिलते हैं। अब नंबर 1 पे बात करते हैं कृष्णा अभिषेक की, जो कि शो में सपना के भेस में आते हैं। तो दोस्तों, कृष्णा को पर एपिसोड के 7 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों, आपको कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर में से कौन पसंद है, या फिर आपको नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके बताएं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।